अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद रिहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम ला एंड एथिक्स की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले तमाम बुक्स की सीरीज़ को कंप्लीट किया और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ओल्ड बुक से या ओल्ड कोर्स से जो हैं अब हम उनको कवर कर रहे हैं तमाम किताबों के तो अब ला का हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले इसका जो टॉपिक है वो है बिहेवियर एंड काइंड ऑफ बिहेवियर ये जो न्यू बुक है उसके अंदर नहीं दिया हुआ तो बिहेवियर क्या होता है इट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वेरियस टीमुलाई कार्ड बिहेवियर स्टीमूलाई क्या होता है कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर बाहर से एक्ट करे जो आपको मजबूर करे कोई भी रिएक्शन करने पे इसके बाद है सोशल बिहेवियर एक्शन एंड रिस्पॉस ऑफ द पीपल इन दियर लाइफ टू द अदर ऑब्जेक्ट जैसे कि एनिमल्स हैं अदर थिंग्स इन सोसाइटीज इज़ कार्ड सोशल बिहेवियर हमारा दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन uh, जो है वो सोशल बिहेवियर है हमारी सोसाइटी के अंदर इट इज़ डायरेक्टेड ट्ड द सोसाइटी टेक व्लेस बिटवीन द सेम स्पीशी ये एम सी की है कि ये सेम स्पीशीज़ के यानी कि हम इंसानों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जानवरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे बिहेवियर विच इन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी इज़ नॉट सोशल ह्यूमन सोशल बिहेवियर कैन बी चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन सोसाइटी यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक हमारा बिहेवियर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है जिस तरह का ट्रेंड चलता है हम भी उसी के साथ ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं इसके बाद काइंडस ऑफ बिहेवियर दो तरीके के इेट बिहेवियर जो कि जेनेटिकली प्रोग्राम होता है हमारे अंदर जब हम पैदा होते हैं और लर्न बिहेवियर जो कि हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सीखते रहते हैं इेट बिहेवियर इज जेनेटिकली प्रोग्राम इंडिविजुअल्स इनहेरिट अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर सच एज़ दे इनहेरिट फिजिकल ट्रेट सच एज बॉडी कलर विंग वेनेशन इन जनरल इेट बिहेवियर विल ऑलवेज बी हेरिटेबल यानी कि यह मुंतकिल हो सकता है हैरीडिटरी होता है इंट्रेंजिक स्टीरोटाइपिक इनफ्लैक्सीबल एंड कम्प्लीट और यानि कि इन्फ्लेक्सीबल से हमारा ये वैसे ही रहेगा चेंज नहीं होगा इनेट बिहेवियर इज इंक्लोडेड इंकोडेड इन डी एन ए डी एन ए के अंदर होता है इट इज सब्जेक्ट टू जेनेटिक चेंज थ्रो म्यूटेशन यानी कि अगर म्यूटेशन हो जाए किसी भी तरीके से तो ही हमारा ये बिहेवियर चेंज हो सकता है वरना नहीं रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सेलेक्शन इसके बाद है लर्न बिहेवियर बिहेवियर डेटा एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस सिंस अ न्यू बॉर्न बेबी हैज नो प्रियर एक्सपीरियंस इट्स फर्स्ट बिहेवियर विल बी इंटायरली इन्ेट यानी कि जो बच्चा पैदा होने के बाद जो सबसे पहले उसका जो बिहेवियर होता है सोसाइटी के साथ वो इनेट होता है जेनेटिकली होता है जो कि उसको, उसको उसके माँ बाप से मिला होता है ईच इंडिविजुअल स्टार्ट लाइफ विद अ क्लीन स्टेट स्लेट यानी कि उस एक ऐसी स्लेट जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ फिर वो खुद जिस जिस तरीके से जो चीज़ें पढ़ेगा वो उसके ऊपर वो लिखता जाएगा इट एक्वायर्स न्यू स्किल नॉलेज थ्रू ट्रायल एंड एरर ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर इंडिविजुअल और मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन जनरल लर्न बिहेवियर विल ऑलवेज़ बी नॉन हेरिटेबल एक्सप्रेंजिक अडेप्टेबल एंड प्रोग्रेसिव तो ये तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका कि बिहेवियर क्या होता है सोशल बिहेवियर क्या होता है और सोशल बिहेवियर की कितनी काइंड हैं कितनी टाइप्स हैं तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसमें ये दो लिखेंगे ये आपका एजा लॉन्ग क्वेश्चन है उम्मीद आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अल्लाह हाफिज़